है के एम न्यूज़ टीवी चैनल मैरी टपकल। आज हम आए हैं गुजरात के वलसाड जिले में, जहां आज हाउसिंग बोर्ड में आज सिद्धेश्वर महादेव का दसव पाटोत्सव बनाया जा रहा है, जहां पूरे श्रद्धालु यहां आए हैं और यहां जो मंदिर जो बनाए हैं उसके उस से हम बात करेंगे। श्री बकुल में मेरा नाम बकुल जोशी है और ये जो मेरी मम्मी का एक सोच थी कि पैसे वाला तो बहुत रहते हैं, पैसे देने बहुत रहते हैं, ये बहुत बड़े बिल्डर समाज के आगे वालों ने बोला कि ये मैं मंदिर आपको अकेले ही बनवा देता हूँ, लेकिन मेरी मम्मी की सोच थी कि नहीं, 10 रुपये देने वाले का भी ये मंदिर होना चाहिए और 1000 रुपये देने वाला का मतलब ये मंदिर का सबका अधिकार होना चाहिए, ऐसा ये मंदिर मेरी मम्मी ने निर्माण करवाया। ये मंदिर ट्रस्ट नहीं चलता है, ट्रस्ट नहीं है, लेकिन ये जो यहाँ की जो हमारी कॉलोनी है वो भक्तों के निधि से चलती है। ये मंदिर का चेहरा है, उनके ये मंदिर का चेहरा दसवां पाठोत्सव है और इसके अंदर सब भाई भक्तों और यहाँ के यजमान खूब धूमधाम से आते हैं और ये 10 साल इतनी संख्या में दर्शन जाते हैं। नहीं, मेरे मम्मी मेरे पापा है जो ये मंदिर के पुजारी हैं और यहाँ साफ सफाई और देख रेख वो सब रखते हैं और मंदिर के अंदर दोनों टाइम आरती पूजा करते हैं। आइए तो ये मंदिर के जो स्थापक है उनसे मिलते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? रघुभाई राजगोर। मंदिर की स्थापना किस साल में हुई? मंदिर की स्थापना हुए 10 बरस अच्छी होता, सब पूरा बस्तर का बम्बई का सबका साथ सपोर्ट लगे, हमारा धर्म पत्नी शांता मेहनत से स्थापित किया, सब का पूरे का पूरा बल्सर बल्सर का सपोर्ट मिला है। कुछ मैं देखे तो आशा पूरा महिला मंडल बजरंग युवक मंडल गांधी भाई भानुशाली कृष्ण भाई भानुशाली और लास्ट में धर्मदेव भाई छोड़ा आज भी है, सूरज भाई भानुशाली आज भी है और सब साथ में हम मिल के इधर मंदिर चलाते हैं और महाप्रसाद का आयोजन आते जा रहा होता है, भी होता है, मतलब आते जा रहा आदमी महाप्रसाद के यजमान हमारे रहते हैं वो धर्म से भाई रहते हैं और पूजा पे ना उसमें सूरज भाई भान होता है वो रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है और यहाँ जो स्थापक है उनकी इच्छा है कि यहाँ एक आश्रम बने और कुंभ बने, ऐसे ही कपड़ों में